हेलो फ्रेंड, एक और वॉल हैंगिंग फ्लोर मेकिंग वीडियो में आप सबका स्वागत। इसका पेपर का साइज 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर ले। उसके बाद पेंसिल की मदद से इसको मार्किंग कर ले। विदाउट मार्किंग भी कर सकते हैं। सीजर के मदद से इसको अच्छे से कट ले। सीजर के मदद से एक पंखुड़ियों को काट दे। सिक्स सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर का दूसरा एक वाइट पेपर ले ले। आप दूसरा कोई भी कलर ले सकते हैं और सेम उसी तरह इसको भी कटिंग करिए। और स्केल की मदद से एक राउंड लगाइए और उसको ब्लैक कलर का मार्कर से भर दीजिए। सेम इसका भी एक पंखुड़ी को काट दीजिए। ग्लो के मदद से काटा हुआ पंखुड़ी को अच्छा पंखुड़ी का नीचे चिपका दें। दोनों को सेम कर दीजिए। और कोई पेन या स्टिक की मदद से इसको इस तरह से पीछे की तरफ फैला दीजिए। अब दोनों फूलों को एक साथ चिपकाइए। आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। 6 छोटा फूल और एक बड़ा फूल बन गया है। अभी छोटा छोटा राउंड पेपर काट के इस टाइप का बना लीजिए। 5 पीस 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का इस टाइप का 5 फूल बना लीजिए। अभी उस 5 फूलों को इसका लास्ट में ग्लू की मदद से चिपकाइए। इस तरह से अभी इसका जॉइंट में इस टाइप का जो छोटे छोटे राउंड पेपर उसको चिपकाइए। अभी ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको ब्लैक कलर कर लीजिए। मैं पहले ही करके रखा था। अभी इस टाइप का पतला पेपर के ऐसा चिपकाइए। प्लीज़ फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।
अभी देखिए ये एक जाली जैसे बन के तैयार हो रही है। एक्स्ट्रा हिस्सा सीजर के मदद से काट लीजिए। अभी इस टाइप का जाला दोनों तरफ भी बनाना है। अभी इसको सीधा कर लीजिए। अब देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। बड़ा फूल को नीचे लगाइए इस टाइप का और बाकी छह छोटा फूल को ऊपर चिपका दीजिए। डिस्टेंस थोड़ा सा ठीक रखिए। अभी इस तरह से छोटा छोटा जो बिंदिया है उसको चिपका दीजिए। आप दूसरा कलर का भी चिपका सकते हैं। सेम दूसरे साइड अभी इसको उल्टा कर लीजिए। दीवार पे हैंग करने के लिए धागा चिपकाइए। अभी इस टाइप का 5 फूलों को लटका दीजिए एक ही सीक्वेंस में ताकि देखने में अच्छा लगे। एक्स्ट्रा हिस्सा को काट दे। अब हमारा फूल बनके तैयार है।